हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे दृश्य इंडिया चैनल में। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करके और हम देखेंगे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है। यार गाइस, आपने जेंगो तो सीख लिया यार, गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। आप डायनामिक वेबसाइट तैयार करना तो जानते ही होंगे विद द जेंगो, बट आप लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को शायद ही जानते होंगे यार, शायद ही कोई सीखता होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में और अगले और इस वीडियो से आगे हम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को सीखने वाले हैं, बहुत ही डीप में जाएंगे और बहुत ही मतलब आखिर क्या होता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ये सब कुछ हम सीखेंगे। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट का यूज कैसे करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा हमेशा की तरह गाइस, ये चैनल को आप अगर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कोडिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ट्यूटोरियल्स है वो हम इस पर डालते ही रहते हैं। तो गाइस, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक तो करके ही जाना गाइज, क्योंकि और क्या है गाइज, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ताकि हम आगे वीडियो जल्दी से ला सकें। तो गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, आखिर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है क्या? देखिए, बिल्डिंग अ रेस्ट एपीआई इन जेंगो इज सो सुपर इजी। मतलब गाइज, रेस्ट एपीआई को जेंगो में बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि वो हमें स्पेशल रेस्ट फ्रेमवर्क देता है। गाइज, रेस्ट एपीआई इज अ स्टैंडर्डाइज वे टू प्रोवाइड डेटा टू अदर एप्लीकेशन। आखिर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है? तो गाइज, यही जरूरत है कि किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए एक बैकएंड बनाना और उसको दूसरे एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड करना, यही होता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। गाइज, लेकिन गाइज अब देखो, अब वेब डेवलपमेंट में हम बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें REST API को भी बनाते हैं, लेकिन REST API जो होता है वो किसी दूसरे फ्रंट एंड में होता है और हमारा बैक एंड जो जेंगो REST फ्रेमवर्क बनाएगा वो उस वाले दूसरे एप्लीकेशन के फ्रंट एंड से टॉक करेगा, यानी वो बातचीत करेगा, वो हमारा बैक एंड का डेटा उस दूसरे फ्रंट एंड में सर्व करेगा, यही होता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल गाइस, समझो आपको आपका जो फ्रंट एंड है वो अगर आपने रिएक्ट में बनाया है और आपका जो डेटाबेस है वो जेंगो में है, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की मदद से आप इजीली वो बैक एंड को, उस डेटाबेस को रिएक्ट में जो है वो सर्व कर सकते हो। तो गाइज, इसमें कुछ रिक्वेस्ट की ऑप्शंस होते हैं, मतलब जेंगो DRF में, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में, तो उसको हम एक बार देख लें। तो ऐसे पांच, यही ये पांच ही नहीं है और बहुत सारे हैं, लेकिन ये पांच जो है बेसिक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट हम देखेंगे। तो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच। तो गाइज, ये गेट क्या है? गाइज, गेट ये मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है API में और DRF में, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। तो एक्चुअली गेट क्या होता है कि वो किसी डेटाबेस से डेटा को रिटर्न करता है हमारे API बेस्ड में, हमारे API एंड पॉइंट में, जिस मतलब जहाँ पर भी यूजर फ्रंट एंड में विजिट करेगा उसको कुछ डेटा दिखेगा, तो वो होगा हमारा एंड पॉइंट, वहाँ पर अपने डेटाबेस को सर्व किया जाएगा गेट मेथड से, मतलब उसको दिखाना, राइट। नेक्स्ट है पोस्ट। गाइस, पोस्ट क्या करता है? देखो, ये नया रिकॉर्ड को बनाता है और अपने डेटाबेस में अपेंड करता है, जिस तरह से हम पाइथन में लिस्ट देखते हैं, लिस्ट बनाई और अपेंड मेथड का यूज करके उस लिस्ट में हमने एक नया मतलब रिकॉर्ड को ऐड किया, उसी तरीके से पोस्ट ये जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस में नया रिकॉर्ड एक बनाता है। पुट कुछ उसी की तरह है, ये रिकॉर्ड को देखता है और उसे प्रोवाइड करता है एक URL की फॉर्म में।
अगर ये एग्जिस्ट है तो ठीक है, नहीं तो ये अपडेट, ये अगर एग्जिस्ट है तो वो उसे रिकॉर्ड भी अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो ये नया रिकॉर्ड बना दे। तो डिलीट, तो नाम से ही पता चलेगा डिलीट यानी किसी गिवन यूआरएल को जो रिकॉर्ड होगा उसको वो डिलीट कर लेगा। और पैच, पैच एक अपडेट इंडिविजुअल फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब किसी इंडिविजुअल फील्ड्स को ये अपडेट कर सकता है। कुछ इस तरीके से कुछ रिक्वेस्ट होते गए जो आपको थोड़ा ध्यान तो इसमें देना पड़ा। ये सब कुछ आपको ध्यान मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार उसको देख ले और यूज मतलब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको एक बार देख ली। गाइस कि एपीआई हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई बोलते हैं, तो ये आखिर करता क्या है? तो गाइस देखिए, एपीआई बैकएंड हैंडल्स क्वेरिंग द डेटाबेस एंड फॉर्मेटिंग द रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या करता है गाइस कि एपीआई जो हम बनाएंगे वो हमारे डेटाबेस और जो फॉर्मेटिंग होगी उसको वो प्रोसेस करेगा और किसी एक दूसरे रिस्पॉन्स में सर्व करेगा। तो यही होता है एपीआई, यानी डीआरएफ में जो एपीआई होता है ये यही करता है। दूसरा है गाइस, व्हाट यू रिसीव इज स्टैटिक रिस्पॉन्स यूजुअली इन जेसन फॉर्मेट ऑफ व्हाट एवर इज यू रिक्वेस्टेड। गाइस मतलब क्या है, अब हम एपीआई तो बना रहे हैं, वो एपीआई का जो रिस्पॉन्स हम देखेंगे तो वो रिस्पॉन्स जेसन में होगा या किसी दूसरे फॉर्मेट में हमें दिखाई देगा। तो गाइज ये एक डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट, ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है राइट। तो मैं आपको एक बार मतलब दिखा देता हूँ गाइज, ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है। अब क्या होगा गाइज, देखिए जेंगो ORM, इसे समझना बहुत जरूरी है। जेंगो ORM यानी ओरिएंटेशन रिलेशनल मैपिंग। ये क्या होता है गाइज, हम जो भी अपने प्रोजेक्ट में मॉडल्स बनाते हैं डेटाबेस के लिए, जो भी मॉडल्स बनाते हैं तो उसको हैंडल करने का काम ये ORM करता है। ORM इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन जेंगो। तो या ORM तो आपने समझ लिया कि क्रिएट मतलब मॉडल्स को क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, सब ये हैंडल करेगा। अब REST फ्रेमवर्क क्या होता है, REST फ्रेमवर्क गाइस देखिए, REST फ्रेमवर्क ये सीरियलाइज करता है डेटा को किसी दूसरे एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए। तो वो जेंगो ORM को एलो करता है कि भाई एक्सेस और अपडेट करो हमारे RESTful API को। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो ये मैंने आपको पता, गेट पोस्ट को जो रिस्पॉन्स होते हैं ये होते हैं, और ये रिएक्ट है जो हम जेंगो में से रिएक्ट बनाएंगे जो सिर्फ स्टैटिक फाइल्स को या फिर फ्रंट एंड को सर्व करेगा। गाइज अब ये सीरियलाइजेशन क्या होता है ये समझना भी जरूरी है। सिंपल और आसान भाषा में कहा जाए तो सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्क्रिप्ट, पाइथन में स्क्रिप्ट लिखते हैं, जेंगो REST फ्रेमवर्क कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो डेटाबेस हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है उसको हमें जेसन फॉर्म में लिखना या किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखना, यही कहलाता है सीरियलाइजेशन। दैट्स इट गाइज, सीरियलाइजेशन यानी दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ किसी टेबुलर डेटाबेस फॉर्म को जेसन फॉर्मेट में लिखना या सीरियलाइज करना होता है सीरियलाइजेशन। सो गाइज ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह से REST API को बनाएंगे, कुछ स्टेप्स किस तरह से हम जाएंगे। सबसे पहले तो हम जेंगो को सेटअप करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम मॉडल्स बनाएंगे डेटाबेस के लिए, और उसके बाद हम जेंगो REST फ्रेमवर्क को यानी DRF को सेटअप करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा कि उस मॉडल को हमें सीरियलाइज करना है। तो जो भी स्टेप टू में हमने मॉडल बनाया था उसको हमें सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो लास्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हमें URL एंड पॉइंट बनाने होंगे और व्यूज़ को भी हैंडल करना होगा, मतलब व्यूज़ को भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, हम नॉर्मल जेंगो में क्या करते हैं कि पहले व्यूज़ बनाते हैं फिर URL बनाते हैं। तो URL यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है, फिर व्यूज उसे रन करता है। तो कुछ इसी तरीके से हम DRF में भी यही करेंगे, बट थोड़ा जो मेथड होगी वो थोड़ी अलग होगी। तो गाइज चलिए
शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। सो गाइस चलिए अब मैं जल्दी से पाई चाम में तो आ गया हूँ। अब ठीक है, हमारी पहली स्टेप होगी गाइस कि हमें सबसे पहले जेंगो का जो प्रोजेक्ट है उसे बनाना है। जल्दी से मैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब गाइस मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट को पहले से ही तैयार कर लिया था, तो आप भी अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को करते होगे तो याद रखें कि अपने नए प्रोजेक्ट्स को कभी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही करें। और अगर किसी दूसरे इंटरनेट से अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हो तो उन्हें भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करके ही रन करें, क्योंकि कोई मिस्टेक्स नहीं हुई, कुछ गलती नहीं हो सकती है। अगर कुछ गलती होती भी है तो आपके जो लाइब्रेरीज है, जो कुछ कुछ लाइब्रेरीज होगी तो वो बर्न नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखने। तो खैर जल्दी से मैं क्या करता हूँ, अपने जो जेंगो एडमिन का जो प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट करता हूँ। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट DRF डेमो, सपोज DRF डेमो से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा वक्त ओके गाइस, तो मेरा प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गया है। अब मुझे गाइस चलो ठीक है, अब रन करते हैं, एक बार चेक कर लेते हो कि मेरा जो ऐप है वो सही तरीके से रन हो रहा है नहीं, मतलब जेंगो चल रहा है कि पाई मैनेज और पाई रन सर्वर कमांड को मैं रन करूँगा। और ये एक अन्य कमांड, ओके सो हियर माई मिस्टेक, रन सर्वर कुछ इस तरीके से, ये मेरा एड्रेस है। और गाइस देखिए, सो हमारा जो जेंगो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशंस। तो गाइस अब चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे करना होगा मेरे ऐप को क्रिएट, तो मैं चलते हैं अब एक एप्लीकेशन को बनाते हैं। पाई मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, और सपोज API क्या बना है तो ठीक है, चलो MyAPI नाम से बनाते हैं। MyAPI सो मेरा MyAPI जो है बन चुका है। अब चलते हैं इसे रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा MyAPI आ चुका है, ये मेरा सेटिंग्स। चलते हैं इसमें, तो मैं सबसे पहले रजिस्टर कर लूँगा अपने एप्लीकेशन को जो है मेरा MyAPI। गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना रजिस्टर किए आप किसी भी एप्लीकेशन को रन ही नहीं कर सकते। तो ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें मॉडल्स बनाने हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें मॉडल्स बनाने, हमें ORM के लिए मॉडल्स बनाने हैं। तो चलिए मॉडल्स बनाते, लेकिन उससे पहले मैं मेरा जो सुपर यूजर है उसको एक बार बनाता हूँ, उसको एक बार बना लेता हूँ। क्रिएट सुपर यूजर, गाइस ये कमांड है जिससे आप जेंगो के लिए जो सुपर यूजर है उसे बना सकते। पाई मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर, एंटर करता हूँ तो मेरे सामने कुछ कमांड्स आएंगे। सो हियर इज एरर आई गॉट, गाइस एक बार मैं भूल गया था, क्योंकि सबसे क्रिएट सुपर यूजर बनाने से पहले आपको माइग्रेट करना होगा। सो मैं माइग्रेट कर लेता हूँ एक बार, पाई मैनेज और पाई माइग्रेट। माइग्रेट से क्या होता है गाइस, जो भी जेंगो के बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन एप्लीकेशन है जैसे यूजर ग्रुप्स, ये एक बार जेंगो एडमिन में आ जाते हैं, ये एक बार एक सही तरीके से इसके लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। चलिए अब करते हैं सुपर यूजर को। तो गाइज हियर आई गॉट
working. So user name, suppose my API email address को blank रखते हैं, my API and my API. So मेरा password तो yes same है, मुझे same ही रखना है. Okay guys, so अब जो मेरा admin है वो भी बन चुका है. एक बार check कर लेते हैं जो admin है वो बना है या नहीं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है गाइस. सही तरीके से अगर काम करे, अगर आप उसे चेक करते जाओ तो नहीं होती. लेकिन पहले से ही अगर कोई प्रॉब्लम है, ओके मेरा सर्वर ऑफ है तो मैं सर्वर को एक बार रन कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए. गाइज आपको सारी चेकलिस्ट को मतलब चेक करना चाहिए, सब कुछ जो है वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं. सो माय एपीआई और माय एपीआई, मैं लॉगिन हो चुका हूँ. देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं. पता नहीं यार क्यों मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. ठीक है तो ये देख सकते हैं आप, यूजर्स में अगर मैं आता हूँ तो मुझे यूजर्स भी मुझे मिलते हैं. देखिए माय एपीआई जो मैं सुपर यूजर हूँ. ओके गाइस, सो हमारा ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है. गाइस नेक्स्ट स्टेप है, हमें अब बनाना है मॉडल्स. तो चलिए मॉडल्स को बनाते हैं अपने एपीआई वाले ऐप में. ओके गाइस, सो फ्रॉम django.db पहले से ही इम्पोर्ट है. चलिए सबसे पहले मॉडल्स के लिए हमें बनाना होगा क्लास, जो सपोज क्लास हीरो क्लास से कुछ बनाते हैं जो इनहेरिट हो मॉडल से कुछ इस तरीके से. और मैं इसमें दो कॉलम बनाना चाहता हूँ जो हो गए नेम मॉडल्स डॉट जो होगी कैर फील्ड जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी सपोज 60 कर लेते हैं या 50 कर लेते हैं, ये अपनी मर्जी भरी गाइस. नेम तो हो गया, और एक बनाते हैं सपोज एलियास एलियास लेते हैं मॉडल्स डॉट, ये भी मैं कैर फील्ड ही रखना चाहूँगा. इसकी मैक्स लेंथ करता हूँ सपोज 50. ओके सो ठीक है गाइस, ये दोनों से ही हम जेंगो रेस फ्रेमवर्क को बनाएंगे. तो गाइस अब मैंने बना तो लिया है मॉडल्स, इसे एक बार स्ट्रिंग फंक्शन से भी ऐड कर लेते हैं. तो गाइस ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है, ये जो strmld का ये जो मेथड है, ये करता है गाइस कि आपके जेंगो एडमिन को मतलब एक उधर एक सजेशन देता है कि एक नाम को ये बताता है, कुछ इस तरीके से ये जो है काम करता. तो क्या करता हूँ गाइस मैं, अब इसको सेट करता हूँ रिटर्न सेल्फ डॉट सपोज नेम से करते हैं. तो अब जब भी मैं अपने जेंगो एडमिन में जाकर इस हीरो मॉडल को देखूंगा तो उस टेबल में मुझे नेम के कॉलम से कुछ मतलब नेम के कॉलम से दिखेगा. तो ये एक मेरे लिए एक आसानी हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने ये लगा है. ओके गाइस, सो हम अब क्या करेंगे, अपन हमने मॉडल तो बना लिया, चलते हैं इसे माइग्रेट कर दें. राइट, तो मुझे माइग्रेट नहीं करना होगा, मुझे पहले मेक माइग्रेशन बनाने होंगे. मेक माइग्रेशन, इससे जो भी माइग्रेशन होने वाला है उसके फाइल्स रेडी हो जाएंगे गाइस. ओके, इस तरह से क्रिएट अ मॉडल हीरो. अब मैं इसे करता हूँ माइग्रेट. सो
देख सकते हैं आप अप्लाइंग माई API इनिशियल जीरो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके, हमें इसको हमारे एडमिन पैनल में भी दिखाना है। अब अगर आप जाकर देखेंगे इधर इस मतलब तो ये हैंग क्यों हो रहा है, अगर आप इस यहाँ पर आकर इसको होम में जाकर देखेंगे तो ओके मेरा सर्वर आई थिंक स्टॉप है, तो मुझे उसे रन करना होगा। सर्वर को मैं रन कर लेता हूँ। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइस अब मैंने अभी ये मॉडल बनाया राइट, हीरो मॉडल तो मैंने बनाया लेकिन यहाँ पर वो आया नहीं, यहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पर तो जो जेनो के डिफॉल्ट मॉडल से वही इधर दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने ऐप में, अपने उस नए बनाए ऐप में। तो इसके लिए मैं एडमिन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं मुझे करना है रजिस्टर। सो एडमिन डॉट रजिस्टर सॉरी आई थिंक इससे मतलब रजिस्टर करना है हमें, तो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर ये कमांड हमें यूज करना होगा। और मेरा मॉडल नेम होगा हीरो राइट, हीरो ओके। सो ये ओके, सो मुझे मेरे मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट माय मॉडल विच इज हीरो ओके। सो दैट्स राइट गाइस, तो मैंने अब इसे मतलब एडमिन में जो है वो फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं ये आया है क्या नहीं। ओके गाइस, सो मैंने रिफ्रेश किया, हीरोज जो है मैंने वो आ गया। अब एक काम करते गाइस, कुछ हीरोज को हम ऐड करते हैं। सपोज मैं ऐड करता हूँ सपोज अपने शाहरुख खान को ऐड करता हूँ। सो शाहरुख खान और उसे देता हूँ रोमांस किंग और ऐड अनदर करके और एक ऐड करता हूँ। ओके गाइस देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर तीन मॉडल्स में मतलब ये जो मेरा हीरो मॉडल है ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए बना ली है। गाइस आप देख सकते हो ये जो नाम है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये डिफ जो था ये वाला फंक्शन, तो ये मैंने नेम के लिए मतलब सेल्फ डॉट नेम किया था। मतलब क्या करेगा, मैं जब भी मेरे मॉडल्स एडमिन में जाऊंगा और जब मैं हीरो मॉडल्स को एडमिन में खोलूंगा तब जो भी नेम मैंने डाला होगा वो नेम मुझे यहाँ पर अपने उस सामने दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है ये काम करता है। ओके गाइस, सो चलते हैं आगे। अब हमने मॉडल्स बना लिए है, अगला जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो था कि हमें जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को सेटअप करना है। तो गाइस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है उसे हम अब सेटअप करें। तो हमने देखा था गाइस सबसे पहले जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को सेटअप करने के लिए हमें पिप इंस्टॉल करना होगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को। तो मैं पिप इंस्टॉल करता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से। सो ओके गाइस, मुझे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने ये जो कमांड थी इसे पिप किया और अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो कुछ टाइम तो लगेगा, तब तक के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ गाइस। ओके सो मेरा जो ये रेस्ट फ्रेमवर्क है ये ओके सो मेरे रिक्वायरमेंट कुछ है और मैंने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यह अभी इंस्टॉल हो रहा है और आप देख रहे हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ओके
सो मैं एक बार सर्वर को रन कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस, तो हमने अभी क्या किया, हमने जेंगो DRF को यानी जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को किया है इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब ये नई लाइब्रेरी थी इसलिए इसको हमें इंस्टॉल एप्स में भी नोट डाउन करना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ setting.py और रेस्ट _framework कुछ इस तरीके से और इसे कॉमा लगाता हूँ, सेव करता हूँ। ओके गाइस, सो हमने DRF को सेटअप कर लिया है, अब चलते हैं आगे। हमारा अगली स्टेप थी कि हमें सीरियलाइजेशन को तैयार करना होगा। तो सीरियलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सीरियलाइजेशन यानी क्या होता है कि किसी भी डेटाबेस टेबुलर फॉर्मेट में जो होता है उसे हमें जेसन में कन्वर्ट करना यानी सीरियलाइजेशन करना होता है। तो चलिए करते हैं अब सीरियलाइजेशन। सबसे पहले हमें क्या करना गाइस कि हमें एक फाइल हम एक फाइल बना देते हैं अपने माई API ऐप में जो serialization.py के नाम से होगी। तो मैं इसे न्यू पाइथन फाइल और serializers के नाम से कुछ करता हूँ, serializ। ओके, सो serializers एंड आई गॉट इट। अब मैं यहाँ पर मुझे तीन स्टेप से मुझे सीरियलाइजर्स को बनाना होगा। तो सबसे पहले स्टेप होगी गाइस, मुझे इंपोर्ट करना होगा अपना हीरो मॉडल जो मेरा फ्रॉम डॉट मॉडल्स से मेरा इंपोर्ट होगा और मेरा मॉडल था हीरो। ओके, हमने मॉडल्स को तो इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें रेस्ट फ्रेमवर्क के सीरियलाइजर को इंपोर्ट करना होगा। तो हम क्या करें गाइस, फ्रॉम डॉट रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सीरियलाइजर्स को इंपोर्ट कर लिया। थर्ड एंड लास्ट स्टेप सीरियलाइजर को बनाने के लिए ये होगा कि हमें अब एक नया सीरियलाइजर बनाना होगा जो मॉडल्स की तरह रहेगा, मतलब हमें क्लास ही बनाना होगा। तो क्लास को बनाते हैं, नाम रखते हैं हीरो सीरियलाइजर ओके, जो जैसे कि हमने मॉडल्स में देखा मॉडल्स डॉट मॉडल से ये इनहेरिट होता था, अब रेस्ट फ्रेमवर्क में ये सीरियलाइजर जो होगा वो सीरियलाइजर्स डॉट हाइपर लिंक्ड सीरियलाइजर्स से ये हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर से ये इनहेरिट होगा। ये यहाँ पर मुझे मिल गया हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर, मैं इसे कॉलिंग करता हूँ। ओके, सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो गाइस मैंने मॉडल्स तो बना लिए हैं, मॉडल्स जो मेरे थे ये यहाँ पर कहा गए भैया ये इधर है हमारे मॉडल्स। तो मुझे अब मेरे मॉडल्स तो बना लिए है, अब मुझे सिर्फ सीरियलाइजेशन करना है। मतलब मैं क्या करूँगा, एक फिर से एक क्लास लिखूँगा और उसे मेटा कहूँगा, जैसे कि हम फॉर्म्स में तैयार कर देगा। हमें अगर फॉर्म्स बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, क्लास हीरो फॉर्म्स और उसे इनहेरिट करते हैं फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स से या फिर मॉडल फॉर्म से, और यहाँ पर हम क्लास मेटा लिखते हैं, फिर यहाँ पर क्लास मेटा में हम लिखते हैं मॉडल। तो कुछ इसी तरीके से हमें लिखूँगा, मॉडल होगा हमारा हीरो मॉडल और उसके बाद हम फॉर्म्स में फिर फील्ड्स लेते। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी फील्ड्स लूँगा और मेरे फील्ड्स तो मेरे दो है राइट, जो है नेम, दूसरा जो मॉडल कॉलम है वो है एलियास। सो मैं इसे फील्ड में अपने ऐड कर लेता हूँ और एक बार सेव करते हैं। ओके गाइस, तो हमने सीरियलाइजर्स को भी कहा जाए तो सेटअप कर लिया है। अब आप यहाँ पर दो तरीके से इसे सेटअप कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली थ्रू मॉडल्स जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, और आप चाहे तो जिस तरह से हम फॉर्म्स को करते हैं, मतलब एक सपोज अपना जो मॉडल्स का वेरिएबल है ये नेम है, तो आप यहाँ पर लगे तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, नेम इज इक्वल्स टू सीरियलाइजेस
डॉट कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे आसान लगता है इसलिए मैंने इसे इस तरीके से किया है। लगे तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसे भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। गाइड्स ओके, मॉडल्स किए, सीरियलाइजर्स को बनाया, जेंगो रेस फ्रेमवर्क को सेटअप किया, अब हमें बनाना है नेक्स्ट व्यूज। अब ये इसको हमें दिखाना भी है, राइट? तो सीधा चलते हैं व्यूज डॉट पाई में और यहाँ पर अपने व्यूज आएंगे। देखिए गाइस, अब व्यूज के लिए मुझे दो बातें को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मुझे जो डेटाबेस है उससे एक क्वेरी तैयार करनी है जो मेरे ऑल हीरोज को ले सके। मतलब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरे डेटाबेस को ऑल ऑब्जेक्ट डॉट ऑल को लेगा, और उस ऑब्जेक्ट उस क्वेरी सेट को मुझे पास करना है सीरियलाइजर से जो मुझे जेसन फॉर्मेट में आउटपुट देगा। तो कुछ इस दो तरीके से, दो टेप से हम ये करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से मुझे सीरियलाइजर्स में इंपोर्ट करना पड़ा था अपना इंपोर्ट मतलब सीरियलाइजर्स को इंपोर्ट करना पड़ा था, कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर व्यू सेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम व्यूज बना रहे हैं इसलिए सीरियलाइजर्स में और जेंगो रेस फ्रेमवर्क में व्यू के लिए व्यू सेट को इंपोर्ट करना पड़ता है। चलते व्यू सॉरी फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स सॉरी रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट करना है हमें व्यू सेट्स को। ये दो नंबर आ गया। ओके, तो व्यू सेट को कर लिया, अब चलते हैं सीरियलाइजर्स को भी करते हैं इंपोर्ट डॉट सीरियलाइजर्स, और हमें इंपोर्ट करना है हीरो सीरियलाइजर्स को, सो हीरो को कर लेते हैं। ओके, और मुझे शायद डॉट मॉडल्स को भी हम ये कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, सो मेरा मॉडल है हीरो। ओके, सो हमने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स है वो हमने इम्पोर्ट कर ली है। अब व्यूज बनाना है तो चलते हैं क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा हीरो व्यू, हीरो व्यू, और ये इनहेरिट होगा व्यू सेट्स डॉट मॉडल व्यू सेट्स, मॉडल व्यू सेट्स, क्योंकि हम मॉडल से ही इसे इनहेरिट करेंगे। तो ओके, मेरे दो स्टेप्स थे, मुझे क्वेरी सेट बनाना है, तो चलते हैं क्वेरी को सेट मतलब क्वेरी सेट को बनाते हैं, और ये क्वेरी सेट जो होगा ये मेरा हीरो मॉडल से, राइट? सो हीरो डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, ये जो मेरा ऑल होगा मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को मिल जाना चाहूँगा जेसन फॉर्मेट में मैं दिखाना चाहूँगा, और ये ऑर्डर करूँगा इसको मैं बाय, इसे नेम से मैं ऑर्डर करूंगा। अब आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये ऑर्डर बाय नेम किए ये किस काम के लिए मैंने इसे लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर सारे मॉडल्स को मतलब क्वेरी सेट में लिए मतलब स्टोर करके लिए मतलब मुझे पास करने के लिए मैंने ले लिया है। अब मुझे करना है पास। सो सीधा क्या करता है मैं गाइज, सीरियलाइजर का जो क्लास है उसको लूंगा और उसमें पास करूंगा, मतलब मेरे हीरो सीरियलाइजर में उसमें मैं पास करूंगा। ओके गाइस, सो हमारा व्यूज हो गया है रेडी, सेव करते हैं इस वाले व्यूज को। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हमने व्यूज बना लिए, अब नेक्स्ट स्टेप है हमको बनाने हैं यूआरएल्स, राइट? सो आई थिंक हमने यूआरएल्स नहीं बनाए, तो एक बार URLs को जो है बना लेते हैं urls.py कुछ इस तरीके से, और मुझे ये एडमिन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, सेटिंग्स की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने URLs तो बना ली है, लेकिन हम एक बात यहाँ पर भूल गए, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट्स में URLs में हमें जो मेन अपना API मतलब ऐप है उसे अब हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड को सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा पाथ और इसको मैं इंक्लूड करूँगा सपोज माय सॉरी इसको मैं होम पेज पे ही रखना चाहूँगा, और
इंक्लूड करूँगा इसको माई एपीआई, क्योंकि मेरा नाम ऐप का नाम माई एपीआई है डॉट ये यूआरएल्स में, इसी में ये करूँगा। तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, हमने इसे इंपोर्ट तो कर लिया है, मैं इधर सेमी कॉलन सॉरी कॉमा लगाता था क्योंकि कोई एरर ना आए। ओके सो मैंने एडमिन तो मेरा यही है, अगर अगर आप चाहें कि अपना जो एडमिन का यूआरएल है, मतलब ये वाला ये स्लैश एडमिन है राइट, अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो फ्रेमवर्क है उसको जो एडमिन बैकएंड होता है ये एडमिन में ही होता है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं इजीली। आप क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज एडमिन आपको सिर्फ यहाँ पर एडमिन सपोज माई एपीआई से मैं चेंज करता हूँ, सो एडमिन माई एपीआई में यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूँगा। यहाँ पर कुछ एरर आ गया है गाइज, इम्प्रॉपरली कॉन्फिगर्ड माई एपीआई डॉट यू आर एल्स डज नॉट अपीयर हैव पैटर्न्स इन इट। गाइज मैं इसे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये अभी एरर नहीं आएगा। माई एपीआई डॉट यू आर एल्स मतलब ये यहाँ पर एरर कह रहा है। ओके गाइज ये एरर हम जब यहाँ पर यू आर एल्स लिखेंगे तब ये चला जाएगा। तब तक अब देखो, अब मैंने एडमिन माई एपीआई लिखा है, तो मैं अब आपको अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये शायद मुझे कहेगा कि प्रॉब्लम लोड होगी। सो ये कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा जो सर्वर है ये अभी ऑफ है। ओके गाइस तो मैं इसे बाद में दिखाऊंगा, चलते हैं अब अपने यूआरएल्स को बनाते हैं। मैं सबसे पहले यूआरएल्स पैटर्न को इसमें ले लेता हूँ। ओके और इंपोर्ट करता हूँ इनको पाथ और इंक्लूड को। शायद अब मेरा एरर चले जाना चाहिए क्योंकि मैंने यूआरएल पैटर्न को और ऐड किया। ओके गाइस सो मेरा एरर यहाँ पर चला गया। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो देखिए मेरा एडमिन जो है वो गायब हो गया। कुछ इस तरीके से करता हूँ तो ये नॉट फाउंड कहेगा, और अगर मैं अभी जो मैंने चेंज किया उसको अगर ओके सो मैंने एडमिन माय एपीआई कुछ इस तरीके से चेंज किया, अगर मैं इसको करूँगा तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी तो मैं इसे एडमिन ही रखना चाहूँगा क्योंकि यही ठीक होगा, जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तब आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके सो मैं ये क्या हो गया भाई, गलती से कंट्रोल एस दबाया। ओके सो एडमिन, अब चलते हैं अपने इस सीरियलाइजर्स को, अपने इस व्यूज को बनाते हैं, मतलब एपीआई यूआरएल्स को अब बनाते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, जिस तरीके से हमने व्यू सेट को इंपोर्ट किया था व्यूज के लिए, उसी तरीके से फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर इंपोर्ट होगा। क्या इंपोर्ट होगा, यहाँ पर इंपोर्ट होगा राउटर्स, क्योंकि हमें राउटिंग करनी है अपने व्यूज के लिए, इसलिए हम राउटर्स को इंपोर्ट करेंगे। एक बार मैं फ्रॉम डॉट व्यूज को भी एक बार कर लेता हूँ इंपोर्ट, सारे व्यूज को मैं इंपोर्ट कर लेता ताकि मुझे इंडिविजुअली किसी यूआरएल्स को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अब इस इंपोर्ट से मेरे जितने भी व्यूज होंगे वो सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा गाइस कि मुझे, आप चाहे तो इस मतलब ये जो व्यूज़ है इसको आप पाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हम लिखेंगे इसे। किस तरीके से लिखते देखिए, क्योंकि हमने राउटर्स को भी, अभी हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने राउटर्स को इंपोर्ट किया है तो राउटर्स में ही हम अब इसके व्यूज लिखेंगे, सॉरी यूआरएल्स लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक राउटर्स इज इक्वल्स टू राउटर्स, ये इनहेरिट होगा राउटर्स डॉट, इसे मैं डिफॉल्ट राउटर को मतलब पास करता हूँ कुछ इस मेथड से, कुछ इस तरीके से। और अब मैं क्या करता हूँ गाइस, राउटर राउट
ओके राउटर करेंगे हम यहाँ पर। ओके मैं क्या करूँगा इस यहाँ पर राउटर करता हूँ, क्योंकि ये राउटर्स एक मेथड है, इसलिए इसको राउटर करता हूँ। सो राउटर डॉट, अब मुझे इसे अपने URLs के लिए रजिस्टर करना है, तभी मैं अपने इस URL पैटर्न में इस राउटर को लिख पाऊंगा, इसलिए मुझे इसे रजिस्टर करना होगा। राउटर डॉट रजिस्टर रजिस्टर करूंगा अब मैं कुछ इस तरीके से, जिस तरह से हम नॉर्मली URLs को लिखते हैं कुछ इसी तरीके से। सो आर सपोज इसे मैं करता हूँ हीरो हीरोज, एंड इसे व्यूज के लिए व्यूज डॉट सॉरी व्यूज डॉट ये जो हीरो व्यू सेट से कुछ इस तरीके से। ओके सो ये हो गया हमारी राउटिंग। अब इसे हमें लिखना है URLs में। तो गाइज एकदम आसान है, हमें क्या करना है देखिए। अब मैं पाथ को सबसे पहले तो ले लेता हूँ, पाथ क्या हो रहा है भाई, पाथ इसको मैं अपने होम पेज पर सेट करूँगा और इसे मैं इंक्लूड करूँगा। इंक्लूड क्या करूँगा गाइज देखिए, सबसे पहले तो मैं Django REST फ्रेमवर्क के URLs को यानी राउटिंग को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसे भी रजिस्टर करना पड़ेगा यानी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं राउटर सॉरी ये नहीं राउटर डॉट हमें URLs कुछ इस तरीके से इसे करना होगा। अब मैंने इसको तो कर दिया, फिर से एक बार पाथ मुझे लेना पड़ेगा इसमें। अब मैं सपोज API के लिए मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, सपोज API auth और ये यहाँ पर मैं ये होगा मेरा URL और API auth। अब मैंने इसे मुझे यहाँ पर लेना है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा API auth इसे मैं करूँगा इंक्लूड करूँगा मैं अपने REST फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से, ये बेहद जरूरी गाइस डॉट URLs। ओके डॉट URLs इसे मैं एक नेम स्पेस देता हूँ, सपोज आप चाहे तो नेम इज इक्वल टू भी कर सकते हैं या नेम स्पेस को भी ले सकते हैं, कोई इतनी ये नहीं है। तो मैं इससे सपोज REST फ्रेमवर्क ही लेता हूँ, फ्रेमवर्क की स्पेलिंग सही है FREME। ओके सो अभी ये राइट है फ्रेमवर्क REST फ्रेमवर्क डॉट URLs REST फ्रेमवर्क डॉट ओके सो अभी ये सही है, इसे सेव करते हैं। यहाँ पर मेरा एक एरर है कि भी कॉमा नहीं है, यहाँ पर भी एक कॉमा देता हूँ ताकि भविष्य में अगर कुछ URLs लिखे तो ये ना आए। ओके सो अभी क्या करना है जी, हमने सीरियलाइजर किए व्यूज किए सब किया, अभी देखिए अब मैं आपको इस वाली को समझाता हूँ। ये पाथ होगा जो हमें जेसन फॉर्मेट में अपने डेटाबेस को दिखाएगा सीरियलाइजर्स को प्रोसेस करके। ये जो मेरा URL है मैंने ये इंक्लूड किया है REST फ्रेमवर्क डॉट URLs को और मेरा नेम स्पेस है REST फ्रेमवर्क। तो बस ये कुछ इसी तरीके से। अब एक काम करते गाइस हम इसे टेस्ट करते, तो मैं ओके मेरा जो ये इम्पो मतलब सर्वर तो चालू है, सो अभी मैं अपने न्यू टैब में इसे खोल लेता हूँ। ओके गाइस सो आप देख सकते हैं हमारा REST फ्रेमवर्क पूरी तरीके से काम कर रहा है, Django REST फ्रेमवर्क। यहाँ पर मेरे ऐप का नाम आ गया है माई API, मैं यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता हूँ और आप देख सकते हो ये API ये गेट रिस्पॉन्स है जो 200 ओके यानी ये ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ अभी हम क्या करेंगे ये आप देख सकते हो, ये देखिए अब मैंने जो मॉडल बनाया था ये मॉडल भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर कंटेंट टाइप भी देख सकते, कंटेंट टाइप इज
एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यानी ये मुझे जेसन फॉर्म में इसे दिखा रहा है, वेरी एक्सेप्ट है और बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों ना इसे इनके जो मॉडल से उसे देखते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट हीरोज़, ये इसने गेट रिक्वेस्ट है ये यहाँ पर आई है। इसका मतलब हमारे मॉडल्स डेटाबेस से जितने भी कुछ हमने सेव किए हैं ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने हीरोज़ मॉडल में 3 वाले को सेव किया था, तो यहाँ पर 3 वाले मुझे मिल रहे हैं। देखिए ये एप्लीकेशन जेसन है, नेम स्कारलेट जोहानसन, एलियास एवेंजर्स, इस तरीके से। अब आपको मैं एक बात दिखाना चाहूँगा, मैंने जो यहाँ पर अपनी व्यूज़ में ये डॉट ऑर्डर बाय नेम किया था, इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे APIs में यहाँ पर देखूँगा तो ये जो शॉर्ट आउट होंगे ये मेरे नेम से होंगे, तो इसलिए ये यहाँ पर, इसलिए पहले नेम आया फिर एलियास फिर ये नेम और फिर एलियास। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, सपोज मैं इसे एलियास करता हूँ, तो शायद मेरे एलियास नेम के पहले, यानी पहले एलियास और फिर नेम आना चाहिए। लेट अस ट्राई। ओके सो ये नहीं आए। ओके ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप ऑर्डर किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये तो हमारा हो गया। अब हम ये जो रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है, यानी ये ले रहा, मतलब ये दिखा रहा है। अभी अगर आपको अब सपोज स्कारलेट जोहानसन को, मतलब एक इंडिविजुअल हीरो को अगर गेट करना है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, मुझे प्राइमरी की चाहिए होगी, तो मैं लगे तो स्कारलेट जोहानसन की जो प्राइमरी की होगी इसको मैं ट्राई करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर 1 डालकर एक बार चेक करता हूँ। ओके गाइस, सो मेरा 1 प्राइमरी की जो थी ये थी शाहरुख खान की। अगर मुझे स्कारलेट जोहानसन को लाना है तो मैं यहाँ पर 3 को एंटर प्रेस करूँगा और मुझे स्कारलेट जोहानसन एवेंजर्स को मिल जाएगा। गाइड्स तो कुछ इस तरीके से ही होता है जैंगो रेस फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर देख सकते हैं AP, मतलब ये ब्रेड कम्स भी मुझे दिखा रहा है, डिलीट का भी ऑप्शन है, गेट का भी ऑप्शन है। यहाँ पर अब API जिसमें अभी ये दिखा रहा है कुछ, ये देखिए इस तरीके से ये दिखाता है। अगर आप बैक चाहते हो तो हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है API का। API में तो ये अभी हम API में देख रहे हैं, और अगर आप JSON में देखना चाहते, अभी ये API JSON में देख रहे हैं, और अगर आप सिर्फ JSON में देखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहे तो किसी नए रिकॉर्ड को भी इसमें दर्ज कर सकते हो, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट, HTML और फॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले तो मुझे जाना होगा हीरो लिस्ट पे, और मैं अभी यहाँ से यहाँ पर नीचे से लेता हूँ सपोज आमिर खान साहब को मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ, और इसके सपोज दंगल, और इसे पोस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी जो रिकॉर्ड है ये मेरा सेव हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, लगे तो हीरोज में जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते आमिर खान यहाँ पर आ गया। तो आप फ्रंट एंड से भी अपने डेटाबेस को संभाल सकते हो। अगर आप चाहे, अगर आपको लगे कि मुझे नेम आमिर खान के जगह पर कुछ दूसरे डेटाबेस को रिकॉर्ड करना है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए आप मैं क्या करता हूँ, आमिर खान को सपोज मैं रणवीर सिंह से करता हूँ अपडेट, और इससे क्या करते गाइस, इसके दंगल ही रह देते हैं और इसे पोस्ट करते हैं। तो ओके गाइस, तो हमारा ये अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर हीरेज में जाता हूँ, तो आप आमिर खान, ये देखिए ये नया रिकॉर्ड
ये इसमें आ चुका है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ये रॉ डेटा भी एक टाइप है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये HTML फॉर्म तो सही है गाइस। अगर आप ऑप्शन में जाते हो तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाएगा। इसे भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गाइस। सो अभी के लिए तो इतना ही बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें गाइस जाते जाते, और अगर नए होगी तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से ही हम नए वीडियोस को और बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू, बाय बाय और जय हिंद।